अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं किचन एट विद साइमा। आज हम बनाएंगे जी मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। सबसे पहले जी मैंने पानी ले लिया है, एक कप नीम गर्म पानी लिया है। इतना गर्म पानी होना चाहिए कि ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे चीनी को। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी ईस्ट। मैंने 1 किलो मैदे का साथ रखा था, उसमें से सिर्फ मैंने 1 कप निकाला था। अब ईस्ट को भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये तकरीबन 1 किलो मैदा है, इसमें हम ऐड करेंगे जी, मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून डाले थे इसके अंदर ऑयल के। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे मैदे में। ऑयल बिल्कुल इसके अंदर जज़्ब हो जाना चाहिए। देखिए अच्छी तरह मिक्स हो चुका है अब इसके अंदर। अब हम ऐड कर देंगे जी हमारा ये पनीर। तकरीबन 10 मिनट मैंने रख दिया था। इसमें 1 कप पानी का मैंने ऐड किया था, मगर अगर आपको ये कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म दूध ऐड कर लें। आटा जो आप इसका लगाएंगे डो का, वो बहुत ज़्यादा ना तो सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। नॉर्मल आटा जिस तरह हम गूंथते हैं उसी तरह अच्छी तरह मिक्स करके इसको भून लेना। आपने ये डो लगा दी है मैंने, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसके ऊपर शीट लगा के तो इसे तकरीबन जैसे मौसम गर्म है तो 40-50 मिनट में ये तैयार हो जाए। इधर हम मैं पिज़्ज़ा चिकन टिक्का वाला बना रही हूँ, तो 4 चम्मच मैंने लिए हैं इसके अंदर दही के। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 चम्मच मैंने डाले हैं इसके अंदर टिक्का मसाला। आप कोई सा भी टिक्का मसाला डाल सकती हैं। अब मैं इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अब जो इसके अंदर वेजिटेबल जाएंगी वो मैं काट लूँगी। आप इन्हें लंबाई की शेप में, चक्स की शेप में, जिस मर्जी शेप में काट के डाल सकती हैं। मैंने वेजिटेबल काट लिए हैं। अब ऑयल गरम कर लिया है। सबसे पहले हम ये टिक्के का मसाला तैयार कर लेंगे चिकन वाला। इसे मैं अच्छी तरह भून के तैयार कर लूँगी। ये देखिए तैयार हो चुका है। इधर हमारे जो डो है वो भी तैयार हो चुकी है। सबसे पहले इसकी एयर निकालेंगे। अब मैंने इसकी पिज़्ज़े में अपने ट्रे के हिसाब से पिज़्ज़ा मैंने इसका बेल लिया था। सबसे पहले इसके अंदर हम एक कांटे की मदद से सुराख कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। अब साथ ही मैं इसके ऊपर मिक्स पिज़्ज़ा चीज़, चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स है इसके अंदर, ये अच्छे से डालेंगे पहले इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर डालेंगे दे हम चिकन। बहुत ज़्यादा भरा भरा भी नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर डालेंगे जो हम जो हमने अपनी वेजेस काटी थी वो डालेंगे, वेजिटेबल्स, और साथ ही इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो या हर्ब्स जो भी आपके पास हैं मिक्स वो इसके ऊपर डाल दें। ऑलिव्स डाल दिए थे मैंने। अब इसे मैं तकरीबन डबल ग्रिल पे 250 पे चलाऊंगी अपना ओवन, और इसे 10 मिनट के लिए मैं बेक करूंगी। ये देखिए जी मज़ेदार सा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार है। मैंने इसे तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े तैयार किए थे। अल्लाह हाफिज़।